Good morning, students. I welcome you all in my class today. And today we are going to discuss the second chapter beta. The chapter number 2, that is a microorganisms, friends and foe. The name of the chapter is microorganisms. Friend or a foe. From the name itself clear that we are going to discuss about microorganisms and whether they are our friend or foe. A foe means enemy, dushman. क्या तो हमारे दोस्त हैं और दुश्मन हैं कौन? Microorganisms, ठीक है? तो chapter का बेटा introductory video है ये. I will deal with the introduction of chapter, that is the microorganisms, friend or foe, ठीक है? तो बेटा introduction से पहले बेटा सबसे पहले first of all we will try to understand the definition of microorganisms. A very simple definition of microorganisms is microorganisms are those individuals or those organisms. Even a whole individual, a whole organisms and that cannot be or that can't be seen with the naked eye. जो बेटा हमें naked eye से दिख नहीं सकते, नंगी आंखों से दिख सकते, that are called as a microorganism. It means these are those particles or organisms which are present in our surrounding area. जो हमारे surrounding area में present है बेटा और जो हमें दिख नहीं सकते with the naked eye, यानी कि नंगी आंखों से हमें दिख नहीं सकते. It means we are not able to see the microorganisms. यानी कि हम microorganisms को देख नहीं सकते. इसका मतलब बेटा अगर हम किसी चीज को देख नहीं सकते तो हमें पता कैसे चलेगा कि दैट रियली एग्जिस्ट इन द नेचर, यानी कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. इसका मतलब हम उसे कहीं ना कहीं तो देख सकते हैं. तो बेटा यहां से स्टेटमेंट आती है, इट मींस वी कांट सी विद द नेकेड आईज. अगर उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि देयर मस्ट बी सम प्लेस, कोई प्लेस होगा जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकेंगे या देख पाएंगे. और वो प्लेस कौन सा है हमारा? दैट प्लेस इज द माइक्रोस्कोप. तो नाम से क्लियर होगा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन इन द माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या है? माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है. तो यहां से चीज क्लियर होगी बेटा, हमें नंगी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते. दे कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो चीज है बेटा जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे दिख सकते हैं. माइक्रोस्कोप यू नो इट वेरी वेल, बायोलैब में दिखाया मैंने बच्चों को काफी बार, बताया भी आपने देखा होगा बायोलैब में माइक्रोस्कोप होता है हमारा, ठीक है. तो माइक्रोस्कोप के नीचे लिए हमारे दिखते हैं कौन? माइक्रो. तो अब यहां से बेटा हमें एक बार डेफिनेशन क्लियर होगी इसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है. अब बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट में नेक्स्ट आता है फ्रेंड और फो. देखो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कब होंगे बेटा? जब ये हमारी मदद करेंगे, हमारे हेल्पफुल होंगे हमारे डेली नीड्स में. यानी कि जो भी बेटा हमारी डेली रोज की जरूरतें हैं उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे काम आ रहे हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड में बेटा मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ डेली लाइफ का. जैसे कि बेटा हमारे घर में कर्ड है, हम दही जमाते हैं बेटा. वी नो इट वेरी वेल कि दही में एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरिया. उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं भाई. हम जब दूध को, मिल्क को अपना बेटा, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कर्ड में. वेन एवर वी कन्वर्ट द मिल्क इन टू कर्ड वी इंट्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, जिसे आप बेटा हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं खट्टा लगाना, दही को खट्टा लगाना, ठीक है. दही को खट्टा लगाते हो आप कुछ नहीं करते, थोड़ा सा कर्ड इंट्रोड्यूस करते हो आप किसमें? मिल्क में. सो वेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, जब आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर दोगे मिल्क में, किसमें? ल्यूक वार्म मिल्क में. ना तो बेटा आपका दूध गर्म होता है ना ठंडा होता है, ल्यूक वार्म हल्का सा कोसा होता है बेटा आपका मिल्क. उसमें आप क्या करते हो? खट्टा लगाते हैं, यानी कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करते हो. और थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर बेटा ये जो आपने इंट्रोड्यूस किया खट्टा जिसे बोलते हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, क्या करेगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा. बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट द नाइट एंड कन्वर्ट दिस मिल्क इन टू द कर्ड, और इस पूरे दूध को बेटा दही में कन्वर्ट कर देगा टिल मॉर्निंग तक, ठीक है. तो दही हम डेली लाइफ में खा रहे हैं बेटा, लस्सी पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? जो बैक्टीरिया बेटा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, इट मीन्स दैट द
बैक्टीरिया कम्स अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिया इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। और भी इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया के अलावा, जैसे बैक्टीरिया के अलावा बेटा हो गया आपका वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के अलावा वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये बेटा अलग अलग शेप साइज स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नहीं दिखते, एंड दैट दे ऑल आर सीन अंडर द माइक्रोस्कोप्स एंड दे ऑल कम अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया सारे किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये चीज बताई मैंने आपको। तो बेटा एक कैटेगरी देख लेंगे, जो कैटेगरीज है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मैंने बोला प्लाज्मोडियम है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल ले लिया किसका बेटा, कर्ड का, जो एज ए फ्रेंड हमें काम करता है, हेल्प करता है, कर्ड फॉर्मेशन में बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारे सारे एज ए फ्रेंड भी काम करेंगे और एज अ एनिमी, एज अ फो भी काम करेंगे। एज अ फो मैं एक आपको मेजर कैटेगरी डिस्कस कर लेता हूँ। एज अ फो कब काम करते हैं बेटा, व्हेन एवर दे कोज सम काइंड ऑफ डिजीज इन अवर बॉडी। एग्जाम्पल ही लो बेटा, मैं वायरस का एग्जाम्पल लू तो वायरस में बेटा आपको पता है, वी नो इट वेरी वेल, कि वायरस में क्या है, कॉमन कोल्ड जुकाम होता है हमें, दैट इज कॉज बाय वायरस। ठीक है, न्यूमोनिया होता है, फ्लू होता है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी जितनी प्रॉब्लम होती है, दैट ऑल कम्स विद द वायरस। एंड रीजन डेज वी हैव कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ वायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन अवर बॉडी। ठीक है, तो ये ऐसे फो काम कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं हमारी बॉडी को, अगर हमारे लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं तो वो ऐसे फ्रेंड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फंजाई का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे बेटा, एज ए फ्रेंड का, फंजाई का। आपने बेटा मशरूम खाई होगी, खुम्बी खाई होगी, जो एग्रीकल्चर में हम ग्रो करते हैं, यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर वी ग्रो द मशरूम। हम खुम्बी को उगाते हैं बेटा, मशरूम को, और ये मशरूम को बेटा वी यूज इट एज अ फूड। इस मशरूम को बेटा एज ए हम फूड यूज करते हैं।